नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी बीएसपी में हुए शामिल। बीजेपी छोड़कर नारायण त्रिपाठी ने बनाई थी विंध्य जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, विंध्य जनता पार्टी के बाद अब हाथी पर सवार होंगे नारायण त्रिपाठी, लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। माननीय कांशीराम साहब जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को उठाने का एक संकल्प लिया था, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार, विचारधारा के अनुसार, उस पर हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे विंध्य में बहुत काम किया, जिसकी वजह से रीमा से कई विधायक जीते, हम लोग 3-4 सांसद जीते और बीच में हम लोग भटक गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत विचारधारा से, इनके इस जातिवाद और संप्रदाय धर्मवाद। आप भटक कैसे गए थे? अरे हो गया, मुलाकात हो गई इन लोगों से, चोरों से, तो उधर चले गए। जब बुद्धि खुली तो फिर से अपने पुराने रास्ते में आ गए। बहुजन समाज पार्टी में हमारा राजनीतिक रूप से जन्म हुआ था, अब बहुजन समाज पार्टी में राजनीतिक रूप से यही हमारा समापन भी होगा। अब किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप जनता के बीच, कैसे उनको लुभाएंगे, क्या जनता के बीच में? जो बहन मायावती जी का जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, माने सभी गरीबों का भला, सभी गरीबों का कल्याण, सभी विकास की योजनाएं, तो जो योजनाएं माननीय बहन जी की चल रही है, उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं बातों को, उसी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जिस तरह से शुरू में हमने जगाया था, उसी तरह से फिर से लोगों को जगाएंगे और इसी लोकसभा के चुनाव में विंध्य से बहुजन समाज पार्टी के रिजल्ट आएंगे। अपने नाम बताइए। जी, मेरा नाम हुसैन पटेल है, मैं रीमा से पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हूँ। थैंक यू। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।